पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्र के पांचवें दिन की जाती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वमेव हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और संकीर्तन का आयोजन किया गया। महिला संकीर्तन के द्वारा महिलाओं ने सुंदर भजनों का गायन किया, तो वहीं रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे और सभी ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। तो वहीं सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तों ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया।